आज के दिन का शुरुआत किया मैंने नाखून को ज़रा सा ख्याल रखते हुए, थोड़ा सा शार्पन किया, शेप में लाया, फिर उसके बाद उसको फ्रेंच टिप नेल में कन्वर्ट किया। दिखने में बड़ा नेचुरल और सुंदर दिखता है। फिर उसके बाद खाना बनाने के लिए जैसे मैंने फ्रिज खोला कि क्या बनाऊँ करके, तब मुझे दिख गया एक बीट रूट। मैं सोचा इसका काम तो आज तमाम कर ही देते हैं, आज बनाऊंगी मैं बीट रूट का पराठा। जो बहुत इजी तरीके से है, बीट रूट को छील लो, आटे के अंदर इसको घिस के डाल दो, और उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा अजवाइन और नमक ऐड कर सकते हो, जो बहुत इजी प्रोसेस है। बहुत लोग आपको ये बताएंगे कि उसको उबालना है, उबाल के फिर उसको मिक्सिंग जार में करना, इतना कुछ नहीं करना, सिर्फ घिस के डाल दो और उसको आटे में गूंद लो, थोड़ा सा तेल डालना चाहो तो तेल, नहीं तो ऐसे ही। मैं ऐसे ही पहले इसलिए गूंदती हूँ क्योंकि बीटरूट में बहुत पानी होता है, पानी पहले आटे के साथ मिक्स कर लेती हूँ, फिर जितना पानी की ज़रूरत पड़ता है उसको ऐड ऑन करती हूँ। बहुत कम पानी की इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद मैंने लंच बॉक्स प्रिपेयर किया है या फिर पैक किया है बोल सकते हो। आज मैंने पत्ता गोभी, मटर और आलू की सब्ज़ी मैंने जो बनाया फ्राई, वही मैंने ले लिया है, और बीटरूट के पराठे ब्रेकफास्ट में भी मैंने वही खाया था। तो फिर मैं थोड़ा सा, जब मैं पेशेंट थोड़ा सा खाली होता है उस टाइम पे बाहर आके टहल लेती हूँ 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि सारा दिन बैठना होता है। शाम को ऑफिस से आते आते मैं थोड़ा सा स्टील वाले दुकान में गई थी ये अप्पे मेकर लेने के लिए। फिर रात के डिनर में बने थे फिश करी और राइस। आज का दिन कुछ ऐसे भी था। सब्सक्राइब फॉर मोर।